आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन कोरमा। जो लोग नए आए हैं उनको वेलकम, और जो पहले से मुझे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू। तो चले आते हैं, मटन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए आपको ये कहना चाहूँगी कि मटन कोरमा जिन लोगों ने अभी तक नहीं खाया, अगर वो खा लेंगे ना तो वो बाकी किस्म के जो मटन के सालन है ना वो खाना छोड़ देंगे। मटन कोरमा इतना लजीज होता है। तो चलें आते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर, सबसे पहले ऑयल डाल देंगे एक आधा कप, जो उस भी बर्तन में आपने बनाना है कोरमा। इसमें इलायची डालेंगे छोटी वाली। इलायची थोड़ी गर्म गर्म हो जाएगी, फिर देखते हैं इसमें आगे क्या शामिल करना है। ठीक है, रेसिपी पूरी देखा करें शुरू से आखिर तक। मज़ेदार मटन कोरमा बनाएंगे आज हम। इलायची हल्की सी फ्राई हो गई है, अब इसमें आधा खाने का चम्मच अदरक डालते हैं, आधा खाने का चम्मच लहसुन, दोनों को भून लेते हैं। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको, ठीक है। लाइट सारा कलर आना शुरू होगा तो फिर इसमें गोल्ड कर देंगे। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये देखें लाइट सारा कलर आ गया, अब इसमें मटन डाल लेते हैं। तकरीबन 1 किलो मटन लिया मैंने, इसको भून लेंगे थोड़ा सा ताकि पानी हो जाए। जैसे गोश्त की बनाई कर लेंगे जैसे बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखते हैं जल्दी से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। पकने देते हैं फिर थोड़ा सा। ये देखें व्यूअर, गोल से तकरीबन कलर चेंज हो गया इसका, भून चुका है। अब ऐसा करते हैं इसमें मसाले डालते हैं। ये ले लिया मैंने धनिया आधा चम्मच, हंसे जायका नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और ये थोड़ा सा जीरा। ठीक है, जो आपके घर वाले मसाले हैं ये वही हैं। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और इन मसालों को गोश्त के साथ भून लेते हैं ऐसे। और कोरमा मसाला मैंने बना के रख लिया, उसमें मैंने इलायची डाली है, जायफल जावित्री डाली है, ज़ीरा, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी। इन सब चीज़ों को मैंने ऐसे पाउडर फॉर्म में बना लिया और बीच में थोड़ी सी ये लौंग और दालचीनी डाल दी है। ठीक है, आपने भी इसी तरह कोरमा मसाला बना देना है इन्हीं चीज़ों के साथ। ये छोटी इलायची भी डाली है इसमें, ठीक है। अब इसमें आधी प्याली दही डाल लेते हैं, फिटा हुआ दही रखा हुआ मैंने, ठीक है। इसको भी पका लेते हैं थोड़ा सा। रेसिपी गौर से देखिएगा, बहुत ही मज़े का और आसान रेसिपी है ये कोरमे की, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, इसकी ये बुनाई हो रही है। अब इसमें बाकी का भी दही डाल के तकरीबन 1.5 प्याली दही डाला है मैंने इसमें, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं 2-4 चम्मच, और इसको अब आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। जब गोश्त पक जाएगा फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इसको कवर कर देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है, कोरमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है,
ये जो कोरमा मसाला बनाया था ना, ये एक चम्मच भर के डाल देना। गालेंगे इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमें। ये देखिए इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, ये आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोरमा बनने में, आम नॉर्मल हांडी जो पकाते हैं उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन इसका मज़ा और खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। आपको भी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बस 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो ब्राउन की हुई प्याज है ये शामिल कर देते हैं आधी प्याज, इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको छोड़ देना आपने। प्याज डालने के बाद ना आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने देना है, ताकि प्याज भी अच्छी तरह घुल जाए, ठीक है। तली हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी व्यूअर्स, मटन कोरमा तैयार हो चुका है। अब मानिया से रिव्यू लेते हैं कैसा बना हमारा मटन कोरमा। आ जाएं, तशरीफ लाइए, बताइए। आप कुछ बाइट बना दें। ये लेनी, शक्ल तो बड़ी अच्छी है। जायका भी कमाल का, यकीन माने आपने ये बना लिया ना तो आप किसी भी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट का टेस्ट जो है वो भूल जाएंगे। थैंक यू जी। मानो कुछ और कहना चाहेंगी आप? नहीं, थैंक यू सो मच, इतने मज़े मज़े के खाने बना के दे रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो कामयाब यूट्यूबर्स हैं ना, मैंने देखा है कि वो भी आपसे सीख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपका चैनल बिल्कुल नया है तो मैं हैरान हूँ कि जो चैनल चल चुके हैं उनको मैंने देखा है वो आप जैसी मशीनरीज ला रहे हैं, क्रॉकरी ला रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं वो आपसे, तो खुशी होती है ये देख के ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आज का मटन कोरमा तैयार हो चुका है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।